भैया, मुझे लगता है कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कब तक ऐसे ही रहोगे? भाभी को जाके 4 साल हो चुके हैं। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, नहीं होगा इस उम्र में। अरे मेरा एक ही बेटा है, वो एक तोहफा है मेरी बीवी की तरफ से। उसका पूरा ध्यान रखूंगा और जिस दिन वो सक्सेसफुल हो जाएगा वो सक्सेस मेरी भी होगी। देखो ना, वक्त कितना दयालु है, वो कोई ना कोई तोहफा जरूर छोड़ जाता है। देखते ही देखते वो कब बड़ा हुआ, उसकी कब शादी हुई, कुछ पता ही नहीं चला। तुम भी तो डिवोर्सी हो, तुम क्यों नहीं कर लेती दूसरी शादी? नहीं भैया, नहीं होगा, लेकिन आपको तो एक ही। नहीं, नहीं। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। बेटा अगर गुलाब जामुन है तो दे दो, बहुत मन कर रहा है खाने का। बेटा बेटा गुलाब जामुन है? गुलाब जामुन? गुलाब जामुन? हाँ। नहीं है पापा, कल रात को ही खत्म हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। बेटा आओ, मेरा हो चुका है, आके बैठो, मैं थोड़ा वॉकिंग कर लेता हूँ। स्पून नहीं है। स्पून नहीं है? रामू काका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुलाब जामुन खाओगे? बेटा वो पानी। हाँ। अरे यार, आखिर ये बुड्ढा समझता क्या है अपने आप को? हाँ, जब देखो तब खाना मांगते रहता है। दवाई दे दी, अब फिर उठेगा, फिर खाना मांगेगा, खुस्सत कहीं का। बेटा ऑफिस में क्या चल रहा है कुछ बताएगा? ऑफिस नहीं आके काफी दिन हो चुके। जी आइए यहाँ पे। अरे वाह, शाबाश बेटा। थैंक यू बाबा। लगता है अभी बताना ठीक होगा। बेटा ऑफिस से आने के बाद मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बाबा। इस बुड्ढे का फिर शुरू हो गया। पापा आप स्विगी क्यों नहीं कर लेते? अभी लाती हूँ।
अरे यार मैं क्या बताऊँ, क्या क्या करूँ इस बुड्ढे का यार। सुबह सुबह उठ के खाना मांगते रहता है। आज सैटरडे है यार, मुझे भी तो फ्री टाइम चाहिए होता है। मेरे हस्बैंड नहीं मांगते सुबह सुबह उठ के खाना। व्हाटएवर। यस कम इन प्लीज। सर ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, इस पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। सर सर क्या हुआ? क्या हुआ सर, सब ठीक है ना? हाँ वो कुछ नहीं, थोड़ा सा हेडेक है। सर इस पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए सर। सुनो पूरे स्टाफ से कहना कि आज हाफ डे ले ले। ठीक है सर, थैंक यू। जी पापा, आप मुझसे कुछ बात करने वाले थे, बोलिए। हाँ बेटा, आज से ये घर भी तुम्हारा और वो ऑफिस भी, दोनों अच्छी तरह संभालना। मैं बस रिटायर होना चाहता हूँ, बिजनेस अच्छी तरह संभालना और ये घर भी। नहीं पापा, मुझसे नहीं होगा, और वैसे भी मैं आज भी आपके अंडर काम करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तू समझ क्यों नहीं रहा है, जो मेरा है वो तेरा ही तो है ना बेटा। देख मना मत करना प्लीज। नहीं पापा मुझसे नहीं होगा। ये तेरी मम्मी की आखिरी इच्छा है, समझ के रख ले। पापा आप भी ना, अगर ऐसी बात है तो रख लेता हूं। यस शाबाश बेटा। तुझे पता है क्या, आज उस बुड्ढे ने ना सारे प्रॉपर्टी पेपर्स और ऑफिस के पेपर्स मेरे हस्बैंड को सौंप दिए। हाँ यार मैं वही सोच रही थी। हाँ हाँ मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। जानू सोना, आई लव यू सो मच। आज अचानक इतना प्यार क्यों आ रहा है मुझ पे? वो क्या है ना, मैं हाथ धोने गई थी ना, तो मैंने आपके और पापा जी के सारे बातें सुन ली। ओ प्रॉपर्टी के पेपर्स और ऑफिस के पेपर्स। पापा मुझे ऐसा लगता है कि आपको और एक पार्टनर की जरूरत है। नहीं होगा बेटा, सॉरी मैंने तेरी बुआ को भी यही बोला है। बुआ तो डिवोर्स ही है ना, तो फिर बस कर बेटा। देख मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तुझे कभी एक माँ की कमी महसूस होने नहीं दी, और ये क्या बार बार दूसरी शादी पार्टनर लगा रखा है। मैं अपने लिए नई मम्मी और आपके लिए एक पार्टनर नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं बस इतना कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आपका फेवरेट खाना मिले जो मम्मी आपके लिए बनाती थी। और वैसे भी कल से हम दोनों एक रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं, और वैसे भी मैं आपके कंपनी में बॉस बन के नहीं बल्कि एक एम्प्लॉय की तरह काम करूँगा, और आप मुझे सैलरी भी देना तो ही एहसास होगा आपके बहू को उसकी गलतियों के बारे में, उसकी अपनी वैल्यू मालूम होगी। जब आप लोग हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं तो हम आपके लिए आधार कार्ड नहीं बन सकते क्या? आइए सर, वो आपको बड़े साहब ने बुलाया है। हाँ चलो आता हूँ। ओके सर।
पैसे जितने चाहे उतने मिल जाएंगे, बस काम पूरा हो जाना चाहिए। फोटो भेज रही हूँ।